Hello everyone, welcome to Shraddha English Medium School online classes, standard 3rd, subject English, chapter 2, summer in a village, means summer माने एक season का name है, गर्मी की season, और गांव में कैसी होती है, उसके बारे में आज हमें इस poem में समझना है, तो सबसे पहले तो students, सिटी में रहने वाले जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि गांव में समर हो या विंटर हो कोई भी सीजन हो तो गांव में जाके हम बोर हो जाते हैं, गांव में किसी को रहना अच्छा नहीं लगता है। पर यहाँ पर जो ये पोएट है, ये पोएम के जो राइटर है पोएट, उसकी भी सोच यही थी कि नहीं, गांव में रहना बहुत ही बोरिंग बात है, गाँव में रहना पसंद नहीं होता है लोगों को। पर आज हम इस पोएम में देखेंगे कि गांव में रहना कितना अच्छा है, गांव में भी हमारा टाइम पास हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो पोएट है इस पोएम के, उसने उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि गांव में क्या क्या होता है, कैसे कैसे हम आनंद ले सकते हैं। तो हमारी भी यही सोच होती है कि नहीं, हमें तो सिटी में ही रहना है, गांव में नहीं रहना है, गांव में रहने का मजा ही नहीं आता है। पर जैसे कि देखे तो गांव में ही रहना अच्छा होता है, यहाँ सिटी में तो जहाँ पर भी देखो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखने को मिलती है, ट्रीज भी ग्रो नहीं होते, झाड़ पेड़ को काट देते हैं। और गांव में देखे तो हमें फ्रेश एयर मिलती है, ताजी हवा मिलती है, और फ्रेश वेजिटेबल्स भी हमें वहां पे खेतों में से मिलती है, और वहां पर ट्रीज भी बहुत सारे ग्रो करते हैं लोग, और वहां पर भी हम देखे तो हमारा टाइम पास अच्छी तरह से हो सकता है। तो हमें हमारी इस सोच को बदलना है कि हम सिटी में आनंद नहीं ले सकते, हम गांव में भी मजे से रह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इस पोयम में हम देखे तो हार्ड वर्ड्स है, उसको हम लर्न करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज SUMMER, समर माने गर्मी, गर्मी की सीजन, ये सीजन का नेम है, जैसे विंटर और मानसून वैसे ही समर। फिर सेकंड वर्ड इज VILLAGE, विलेज, विलेज माने गांव। थर्ड वर्ड इज BORE, बोर माने बोर हो जाना, कंटाल जाना। फोर्थ वर्ड इज वॉक, WLK, वॉक माने चलना। फिफ्थ वर्ड इज शूज, SHOES, शूज, यहाँ पर ये शूज वर्ड है वो प्लूरल में, इसका सिंगुलर वर्ड हम देखे तो शू होता है, और जब दोनों पैर के शूज की बात करें तो हमें बोलना होता है शूज। फिर सिक्स्थ वर्ड इज TOES, टॉस, यहाँ पर ये टोज है वो भी प्लूरल वर्ड है, वैसे सिंगुलर वर्ड इसका होता है TOE, टो। फिर सेवंथ वर्ड है सो, सो SOW, सो, सो माने एक टू स्कैटर सीड्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स, उसको कहते हैं सो। फिर एट वर्ड इज PULL, पुल माने खींचना, पुल का पास्ट ऑपोजिट वर्ड होता है, एंटोनिम्स होता है पुश, पुल माने खींचना, पुश माने धक्का देना। फिर है नाइन्थ वर्ड इज वीड्स, वीड्स माने अनवांटेड प्लांट्स, जैसे कि खेतों में ऐसे अनवांटेड प्लांट्स जो बिन उपयोगी होते हैं या फिर पॉइजनस होते हैं, ऐसे भी प्लांट्स ग्रो होते हैं जिसको निकाल देना होता है, तो वीड्स माने अनवांटेड प्लांट्स। टेंथ वर्ड इज बनियन ट्री, DANYAN TREE, बनियन ट्री माने वर्ड का झाड़, जो एक ट्री का नेम है बनियन ट्री माने वर्ड का झाड़। इलेवेंथ वर्ड इज BUFFALOES, बफेलोस, यहाँ बफेलोस वर्ड है वो प्लूरल वर्ड दिया है, बफेलो का प्लूरल वर्ड है बफेलोस, माने बेंस, एनिमल का नेम है। फिर ट्वेल्थ वर्ड है टैडपोल्स, TADPOLES, टैडपोल्स माने फ्रॉग्स के जो छोटे फ्रॉग्स के जो बच्चे होते हैं तो उसे कहा जाता है टैडपोल्स, द यंग वंस ऑफ अ फ्रॉग, फ्रॉग माने आपको पता है देखा, तो टैडपोल्स माने फ्रॉग्स के बच्चे यानी यंग वंस ऑफ अ फ्रॉग। थर्टीन वर्ड है FROGS,
फ्रॉग्स, यहाँ पर भी फ्रॉग्स है वो प्लूरल वर्ड दिया है, फ्रॉग का जो प्लूरल वर्ड होता है वो फ्रॉग्स, और यहाँ पर टैडपोल का प्लूरल वर्ड दिया है टैडपोल्स। फिर 14th वर्ड फ्रेंड्स, FRIENDS फ्रेंड्स, तो माने मित्र दोस्त, यहाँ पर भी फ्रेंड का प्लूरल हमें दिया है फ्रेंड्स। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके हार्ड वर्ड्स जिसको आपको प्रॉपरली रीड करने हैं और लर्न भी करने हैं। अब हम हमारी पोयम को देखते हैं, यहाँ पर हमें येलो बॉक्स दिया है, उसमें कहा है व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर सिटी टाउन और विलेज, इन योर नोटबुक राइट फोर थिंग्स यू लाइक अबाउट द प्लेस वेयर यू लिव। आपको सिटी टाउन या फिर विलेज गांव में से क्या पसंद है, मीन्स कौन सी चीजें पसंद है, कौन सी प्लेस पसंद है, क्या पसंद है, वो आपको आपकी नोटबुक में ऐसी चार थिंग्स लिखनी है जहाँ पर आप रहते हैं उस सिटी में, जिस सिटी में या गांव में जहाँ पर भी आप रहते हो उस गांव में, सिटी में या टाउन में से आपको क्या पसंद है आपके सिटी या टाउन का। तो अच्छे टेम्पल्स होते हैं, अच्छे अच्छे खेत होते हैं, या फिर गार्डन होते हैं, जू होता है, तो ये सभी थिंग्स सिटी में हो सकती है। और गांव में भी देखे तो कई सारे हमारे दोस्त होते हैं, या फिर एनिमल्स जो होते हैं वो भी हमें प्यारे होते हैं, अच्छे लगते हैं, या और खेत, बड़े बड़े जो खेत होते हैं वहाँ पर हम खेलने जाते हैं, तो ये सभी बात भी हमें बहुत खेतों की, गांव की या हमारे सिटी की अच्छी लगती है। फिर हमें यहाँ पर दिया है एंटोनिम्स का बॉक्स, वो हम रीड कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज वॉक, वॉक का एंटोनिम होता है, मीन्स ऑपोजिट वर्ड होता है रन, वॉक माने चलना, रन माने दौड़ना। फिर है पुल, पुल माने खींचना, उसका ऑपोजिट होता है पुश माने धक्का देना। न्यू, न्यू का ऑपोजिट वर्ड होता है ओल्ड, न्यू माने नया, ओल्ड माने पुराना। फिर यहाँ ग्लोसरी दिया है, दी है हमें, जिसको हम ये पोयम रीड करते जाएंगे और फिर हम ग्लोसरी देखते जाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इस पोयम को हम रिसाइट कर लेंगे, फिर इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो समर इन अ विलेज, समर इन अ विलेज वुड बी सच अ बोर आई थॉट, समर वुड बी सच अ बोर आई थॉट, बट आई लर्न्ड टू वॉक विदाउट शूज, to walk without shoes, with mud between toes, with mud between toes, to sow paddy seeds, and pull out all weeds, and pull out all weeds, to swing from the banyan tree, to swing from the banyan tree, to ride buffaloes for free. To see tadpoles become frogs, to see tadpoles become frogs, and play with village dogs, and play with village dogs. Summer in a village, summer in a village was happier than I thought, was happier than I thought. When I met new friends, When I met new friends. Students, अब इसको हम explain करती हूँ मैं। Summer in a village would be such a bore, I thought. मुझे ऐसा लगता था, मैं ऐसा सोचता था कि जो विलेज, गांव का जो जीवन है, गांव और खास करके जो गांव में गर्मी की सीजन होती है वो बहुत ही बोरिंग होता है। एक तो उसमें समर के डेज लॉन्ग होते हैं और फिर पूरा दिन क्या करना है सोच में नहीं आता है कि क्या करें, कोई गांव में दिखता ही नहीं है दोपहर को, तो सब सो गए होते हैं या फिर खेतों में काम करने लोग चले गए होते हैं। तो गांव में ये जो पोएट है, ये पोएम के राइटर है, वो उसकी सोच ये थी कि गांव में, विलेज में समर है वो बहुत ही बोरिंग है। बट आई लर्न, फिर ये पोएट कहते हैं पर मैंने सीखा, क्या क्या देखा, क्या समझा, क्या सीखा उसने, टू वॉक विदाउट शूज, पर फिर जब वो
गांव गए तब उसने वहां पे क्या क्या देखा? टू वॉक विदाउट शूज, गांव के लोगों को हम देख के खेतों में काम करते हैं तो उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होती है, विदाउट चप्पल चलना। फिर विथ मड बिटवीन टोज, और खेतों में जब काम करते हैं तो उसके पैरों में चप्पल या शूज नहीं होते हैं, वो विदाउट चप्पल या शूज खेतों में काम करते हैं, और खेतों में काम करते करते उसकी पैरों की उंगलियों के बीच में कादो कीचड़ का फंस जाना। टू सो पेडी सीड्स, टू सो पेडी सीड्स, जो खेतों के बीच में वो पेडी बनाते हैं उसमें छोटे छोटे से डिग करते हैं, खड्डे छोटे छोटे से बनाते हैं और उसमें सीड्स दाने होते हैं उसको ग्रो करना होता है। एंड पुल आउट ऑल वीड्स, और जो अनवांटेड प्लांट्स होता है उसको खींच के निकाल देना होता है। टू स्विम फ्रॉम द बनियन ट्री, बनियन के ट्री से स्विंगिंग करना, खींच के करना, वहां पे झूलना अच्छा लगता है उसको, कोई को। फिर क्या क्या अच्छा लगता है उसको? टू राइड बफेलोस फॉर फ्री, एनिमल्स के ऊपर, बफेलोस के ऊपर बैठना बिल्कुल फ्री होता है। हम गांव में देखते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो गाय के ऊपर या बफेलो के ऊपर बैठ के चले आते जाते हैं, हमने देखा है। एंड प्ले विथ विलेज डॉग्स, और गांव के कुत्तों के साथ खेलना। समर इन अ विलेज, गांव में गर्मी के सीजन में, वॉज हैप्पियर देन आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं, पर बहुत ही आनंददायक था। व्हेन आई मेड अ न्यू फ्रेंड्स, जब मैंने नए नए दोस्त बनाए तब मुझे पता चला कि गांव की लाइफ कैसी आनंददायक होती है। पहले जो मेरी सोच थी कि नहीं गांव तो गांव में जाना अच्छा नहीं है, हम बोर हो जाते हैं, वो सोच अब पोएट की बदल गई जब वो गांव में गए, उसने अच्छे अच्छे दोस्त बनाए, बनियन ट्री पे उसने झूला झूले, फिर खेतों में उसने दाने ग्रो किए, तो बफेलो के ऊपर उसने फ्री राइड की, ये सब जब उसने किया तो पोएट को लगा कि नहीं गांव में भी हम आनंद से रह सकते हैं, नए नए दोस्त भी बना सकते हैं। फिर उसकी सोच गांव के प्रति जो भी सोच थी वो बदल गई। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं यहाँ पर ग्लोसरी, फर्स्ट वर्ड है बोर, बोर माने समथिंग दैट इज डल, मींस कुछ ऐसा अच्छा हमें हमारे मन पसंद का ना हो वैसा, जिसको हम करना नहीं चाहते। सो टू स्केटर सीड्स टू ग्रो न्यू प्लांट्स, मींस नए नए प्लांट्स को ग्रो करने के लिए जो हमें दाने बोने पड़ते हैं वो बोए जाते हैं वो। सो वीड्स अनवांटेड प्लांट्स, टेक बॉल्स द यंग वंस ऑफ अ प्रो, यंग वंस ऑफ अ प्रो माने मेंटर के बच्चे, फ्रॉग्स के बच्चे। तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी पोयम, इसको वन टाइम जरूर इसको रिसाइट कर लेना, और यहाँ पे जो ये जो क्वेश्चन मार्क किया हुआ क्वेश्चन है वो आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है। इसकी एक्सरसाइज की फोटो भी मैं आपको भेज दूंगी, आई होप कि आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।